गुड इवनिंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल राइट ऑन चैप्टर नंबर 24। ठीक है जी, इस अज टॉपिक जो डिस्कस कर लगे हाँ दैट इज़ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर कि होंगी अपनी को ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन सिंगुलर कि होंगी है, सारा कुछ आप पढ़ा। ठीक है, तो करते हैं फिर स्टार्ट। सिंगुलर नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो जाता है, पर उस तो पहले आप फंक्शन समझा सारा कुछ देखा। चलो ठीक है, तो इस अलावा जेडे भी स्टूडेंट्स मैथ मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं सबसक्राइब कर लो जी चैनल में, सारा सिलेबस तुम्हें इतनी ईजीली अवेलेबल मिलेगा। गो टू द चैनल, विजिट करो। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के देखो थो सारा एक टॉपिक जो है प्रोपरली ऑर्गनाइज मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, तुम बस अपनी तैयारी करनी है। टैलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन के ठीक है, वह लिंक मिल जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर, आप गल कर रहे हैं जी फंक्शन की। ठीक है, वैसे फंक्शन की नॉलेज थानू सारू ऑलरेडी हैगी है, तो ज़्यादा खिंचांगे नहीं टॉपिक को, जस्ट इस समझा। फंक्शन देखो एक तरीके रिविजन जी हो जूगी, फंक्शन की होंगे फंक्शन देखो, लैट मेरे को ध्यान देखिए, जेकर आप फंक्शन मेरे को है कोई भी, यही मेरे को एक ए सैट है। ठीक है जी, ए मेरे कोई भी एक अनदर सैट है विच इज़ बी सैट, तो दोनों के कोई ना कोई की हो रही होंगी फंक्शन आप लगा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब की है ए की आउटपुट मेरे को कितने कितने की आ रही है, बी आ रही है, दैट इज फंक्शन। तो मतलब जो मैं फंक्शन के ए पुट कर दी तो मेरे को वैल्यू आती है, मेरे को बी की वैल्यू आती है। जो ए है इसको आप बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं डोमेन। ठीक है जी, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और जो बी है इसको आप बोलते हैं, इसको आप कोडमेन बोलते हैं। ये चीज़ा ऑलरेडी आपने पढ़िया हुई बहुत ज़्यादा डिटेल के, है ना, और आपको सारे आदियां ने। ठीक है, अगर आप रेंज की गल करिए तो रेंज मेरे को होंगी है जिड़िया जिड़िया वैल्यूज रेंज ऑफ फंक्शन मेरे को होंगी है, मतलब ये सारे उही एलीमेंट्स होंगे हैं जो बी दे विच बिलोंग करते हैं। मतलब जो मैं फंक्शन दे विच वैल्यू पुट कर रही हूँ तो जो आउटपुट आ रही है फोर सम ए कि बिलोंग करता है, ए दे विच बिलोंग करता है, ये अपने को होंगी रेंज होंगी है, कॉमन चीज़ा सारिया। अच्छा, फिर इस आप गल करते होंगे वन वन की ऑन टू की। अच्छा, फिर वन वन की होंगे तो ऑन टू की होंगे, वन वन होंगे जो अपने को सारे की वन टू वन कोरसपोंडेंस बनती है ना। और इसको आप प्रूफ किमें करते हैं, इसको आप प्रूफ करते हैं कि फंक्शन के दो एलीमेंट्स लेने और दोनों ने इको रखते हैं, फिर इसको की करते हैं सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करके अपने को दो आउटपुट्स आदि ने, एक जो अपने को एक्स और वाई इक्वल आ जाएंगे, दूसरा या फिर अपने को एक्स और वाई इक्वल नहीं आएंगे। अगर तो एक्स और वाई इक्वल आ जाते हैं तो आप कहने कि फंक्शन की है, फंक्शन इज वन वन फंक्शन। ठीक है जी, अगर अपने को नहीं आंदी इक्वल तो आप कहने फंक्शन की है, फंक्शन इज मैनी वन, फंक्शन इज मैनी वन। ठीक है, तो इस तरीके अपने को तीन आउटपुट्स, दो आउटपुट्स आदि ने। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जेकर मेरे को एक्स वाई की इक्वल नहीं है तो अपने को जो फंक्शन ऑफ एक्स है दैट इज ऑलसो नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, दैट इज ऑलसो क्लीयरली। ठीक है, यहाँ होंगे वन वन ऑन टू। वैसे अपन ऑन टू भी चंगी तरह पता है ऑन टू की होंगे, मतलब मेरे को सेकंड सैट के कोई भी एलीमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, दैट इज ऑन टू। तो हम ऑन टू आप प्रूफ किमें करते हैं, मैं लैट कर लैनी हूँ कि बी कोई भी एलीमेंट है जो सैकंड सैट के बिलोंग करते हैं, तो बी मेरे कोई भी एलीमेंट है। ठीक है, तो अपने को कहते इफ वी कैन फाइंड सम ए। अच्छा, फिर ए कि बिलोंग करता होना चाहिए, ए बिलोंग करता होना सच दैट मैं फंक्शन दे विच ए पुट करा तो मेरे कोई ना कोई आउटपुट जरूर आ जाए, तो वह मेरे को मतलब एफ मेरे को हो जाता है ऑन टू हो जाता है। इसको आप इस तरीके फाइंड आउट करते हैं, मतलब की है ऑन टू कदों होंगे जो तो मेरे को सैकेंड एलीमेंट के कोई भी एलीमेंट मेरे को खाली नहीं होंगे, सब की कोई ना कोई प्री इमेज होंगी है। तो कंकलूजन आप यही भी कह सकते हैं कि जेकर मेरे को इफ एफ इज ऑन टू, जेकर मेरे को एफ ऑन टू है तो आप कहने आप कहने कि जी रेंज ऑफ द फंक्शन होएगी वह मेरे को कोडमेन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इन्हों सब का जस्ट ए कोई भी आप गई तो जो आप पढ़ा सिंगुलर नॉन सिंगुलर तो वह इस यूज करते हैं, तो करके थोड़ा रिविजन वो जरूरी सगा। चलो तो हम रिविजन करने तो बाद आप गल करते हैं अपने टॉपिक की। अपने टॉपिक के देखो हूँ आप ये अपने टॉपिक का हिस्सा नहीं जस्ट रिविजन से, तो अपने टॉपिक के है लैट मेरे को टी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है जो वी तो लैके डबल्यू तक चल रही है। ठीक है, और ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जेकर मैं वी दे जीरो एलीमेंट के उपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी तो मेरे को सिर्फ इको ही आउटपुट आएगी विच इज़ जीरो एलीमेंट ऑफ डबल्यू ऑलवेज 110% हमेशा मेरे को यही आंदा होंगे, और ये चीज़ ऑलरेडी आप पढ़ी हुई है। तो कहते ये ना दो चीज़ा बन जा ने, दो चीज़ा बन जा ने, देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो, देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो एलीमेंट से वी बिलोंग्स टू वी सच दैट टी दे विच मैं वी पुट करा तो मेरे को जीरो आ जाए।
मतलब कहिंदे इत्थे कोई ना कोई इदां दा एलीमेंट जरूर बिलोंग करदा होएगा जिहड़ा की होएगा नॉन जीरो होएगा किहदे विच वी दे विच कि जो मैं उस उपर ट्रांसफॉर्मेशन लगावा तो मेरे को जीरो एलीमेंट आ जाएगा। अच्छा फिर दूसरा की बनता है, दूसरा बनता है कि एग्जिस्ट नहीं करता होगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट नो एलीमेंट, डज नॉट एग्जिस्ट एलीमेंट है ना, एलीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट नो एलीमेंट विच इज, या फिर तुम इदा ना लिखो तो सही जानी सेंस जी नहीं बन रही, इदा लिख लें आप देयर एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉन जीरो, एनी नॉन जीरो एलीमेंट सच दैट, कि जो मैं टी दे विच वी पुट करा तो मेरे को डबल्यू जीरो दे विच आवे, तो यदा मतलब की हो गया, यदा मतलब एक चीज़ तो क्लीयर होगी कि इसनों तो आप बोलते हैं जी यदा मतलब तो हो गया टी इज सिंगुलर, मतलब जो थोड़े कोई भी इदा नॉन जीरो एलीमेंट है जो उस उपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई जाती है तो थोड़े को रिजल्ट दे विच जीरो एलीमेंट मिलता है कि दूसरे वैक्टर स्पेस का, तो वो थोड़े को इसका मतलब की है टी सिंगुलर है। अच्छा जो इदा का कुछ नहीं है यदा मतलब हो गया टी इज नॉन सिंगुलर, तो यदा मतलब की है अपने को टी की है नॉन सिंगुलर है, टी इज नॉन सिंगुलर, तो मतलब की हो गया कि जो वी एलीमेंट है वह वी एलीमेंट कुछ होर नहीं वह जीरो एलीमेंट ही है, जेकर वी जीरो है तो ही आप कह रहे हैं कि कोई भी इदा का एलीमेंट है ही नहीं जो नॉन जीरो होएगा, मतलब जीरो ही होएगा, वी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, समझ आया सिंगुलर तो नॉन सिंगुलर की है, की चीज़ होंगी है ये, ठीक है, किदा आप इस समझ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लें, थोड़ा सा होर पता लग जूगा, पता किमें लग जूगा, जिमें फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल मेरे को टी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दिती हुई है विच इज़ फ्रॉम आर स्क्वायर, ठीक है, टू आर, इस तरीके नाल दिती हुई है मैंने, ठीक है, और टी मैंने की दिता हुआ है कुछ भी एक्स वाई एलीमेंट है विच इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। चलो तो हम इसमें सोल्यूशन शुरू कर दें, तो एक चीज़ तो क्लीयर है क्योंकि मेरे को सैकेंड सैट की है आर है, तो सैकेंड सैट की जी जीरो है कुछ इस टाइप की होगी, सिंपल जीरो होएगी, ठीक है, और क्योंकि मेरे को फर्स्ट जो सैट है दैट इज आर स्क्वायर, तो जो फर्स्ट सैट है उसका जो जीरो एलीमेंट है कुछ इस टाइप का होएगा, सिंपल। चलो सोल्यूशन करिए, सोल्यूशन इसका देख रहे हैं आप टी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सोल्यूशन देखो, सब तो पहला तो जेकर मैं एक्स वाई की ट्रांसफॉर्मेशन की गल करती हाँ, ठीक है, विच इज जीरो, अगर मैं इसनों इदा कह रही हूँ भी यह जीरो दी इक्वल है, क्योंकि यही चीज़ कही से ना आप इसनों जीरो दी इक्वल रख रहे हैं, ठीक है, अगर ये जीरो दी इक्वल है मतलब जीरो है, तो यदा मतलब की हो गया, यदा मतलब मेरे को एक्स की वैल्यू तो जीरो होगी, बट वाई बारे मैनू कोई भी इनफोरमेशन नहीं हैगी, वाई बारे मैनू कोई भी इनफोरमेशन नहीं हैगी, क्यों, क्योंकि हम तुम कहो मैम सानू किवें पता कि एक्स ही सही वाई क्यों नहीं, देखो एक्स दिता हुआ मीनस यह जो वैल्यू है ये वैल्यू की दी है, ये वैल्यू एक्स की है, तो मतलब एक्स का जीरो हो गया, बट फिर वाई का की करिए, वाई बारे तो कोई इनफोरमेशन है ही नहीं, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है, हूँ हो सकता है, हो सकता है वाई दी मैं ए लवा तां भी तो मेरे को जीरो आऊगा, अच्छा जेकर मैं ए ले लवा तां भी तो मेरे को जीरो आऊगा, क्योंकि इतने तो गल सिर्फ इजिकल टू एक्स की हो रही है, इतने वाई की वैल्यू तो पुट हो ही नहीं रही, जेकर मैं इतने जीरो माई टू ले लवा तां भी तो मेरे को जीरो आऊगा, तो मतलब मैं देख पा रही हूँ सिर्फ जीरो सोल्यूशन नहीं हैगा, नॉन जीरो सोल्यूशन भी हैगा जिहड़ा की है मैनू प्रोपर वैल्यू दे रहा, नॉन जीरो सोल्यूशन ऑलसो एग्जिस्ट, तो अगर यह नॉन जीरो सोल्यूशन है तो आप कहेंगे जो टी है दैट इज अ सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेरे को की है जी सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है, यही चीज़ आपने पिछले स्टडी की सी कि जेकर मेरे को वी दी वैल्यू मतलब की है एलीमेंट जेकर नॉन जीरो है बट मेरे को आउटपुट जीरो आ रही है तो मेरे को टी सिंगुलर होएगा, अदरवाइज टी मेरे को की होएगा नॉन सिंगुलर होएगा। ईजी, उम्मीद है समझ आ गया होना, ठीक है। अच्छा हुण आप गल करते हैं वन वन ट्रांसफॉर्मेशन बारे, वन वन ट्रांसफॉर्मेशन कि आपको किमें पता लगेगा कि अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह वन वन है भी या नहीं, तो वन वन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब की हो जाता है, इंजैक्टिव सबजैक्टिव बायजैक्टिव, ये थोड़ा पता है कि वन वन इंजैक्टिव बोलिया जाता है, ऑन टू सबजैक्टिव बोलिया जाता है, जेकर दोनों ने तो उन्होंने बायजैक्टिव बोलिया जाता है, इस तो कुछ दसने वाला है, तो आप गल कर रहे हैं वन वन की, तो देखो मान लो मेरे को टी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है जो कि वी तो लैके डबल्यू तक लग रही है, अगर मैं कहां कि कोई भी एक एलीमेंट जो मेरे को दो एलीमेंट मैंने ले ले, दोनों ही एलीमेंट मेरे को किहदे बिलोंग करते हैं वी चो बिलोंग करते हैं, और उन्होंने उपर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाती, उसनों मैंने की कर लिया सोल्व कर लिया, सोल्व करके मेरे को आ गया, सोल्व करके मेरे को आ गया वी वन इज इक्वल टू वी टू, तो आप कहेंगे कि जी मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को है वन वन है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਜ਼ਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਵਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਟੂ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆਰ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਐਂਡ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਐਕਸ ਵਨ ਵਾਈ ਵਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰ ਸਕੇਅਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਟੂ ਵਾਈ ਟੂ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਟੀ ਆਫ ਵੀ ਵਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੀ ਆਫ ਵੀ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀ ਆਫ ਵੀ ਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਟੀ ਆਫ ਵੀ ਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸ ਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸ ਵਨ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਵਨ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਐਕਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਟੂ, ਐਕਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਟੂ ਐਂਡ ਐਕਸ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਟੂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਫਸਟ ਫਸਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਖਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਐਕਸ ਵਨ ਐਕਸ ਟੂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਵਨ ਅਤੇ ਵਾਈ ਟੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸ ਵਨ ਵਾਈ ਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਟੂ ਵਾਈ ਟੂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਐਕਸ ਵਨ ਵਾਈ ਵਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਨ ਵੀ ਟੂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਨ ਵਨ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਨ ਵਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਔਨ ਟੂ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਟੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਔਨ ਟੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਬਲਿਊ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਬਲਿਊ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡਬਲਿਊ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਦੇਅਰ ਐਗਜਿਸਟ ਸਮ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਵੀ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ ਟੂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਕੇ, ਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਟੂ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਔਨ ਟੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੂਫ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਬਲਿਊ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਐਕਸ ਕੁਛ ਵਾਈ, ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਵਨ ਵਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੈਟ ਮੈਨੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਰ ਸਕੇਅਰ 'ਚ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ,
अगर मैं इसके बीच ट्रांसफॉर्मेशन लगा दाँ तो एट मेरे को किस इक्वल आएगी, तो ओबियसली मेरे को वाई दे इक्वल आ गई। अगर मैं वो वैल्यूज़ ये पुट कर रही हाँ तो ये पुट करके मेरे को सीधी सीधी वैल्यू आ गई, वाई आ गया, ठीक है, क्योंकि अपने को आंसर की आ रहा है, फर्स्ट वैल्यू आ रही है और ये फर्स्ट वैल्यू की है वाई, तो मतलब मेरे को आउटपुट वाई आ गई, ठीक है। तो मतलब की हो गया, मेरे को वो एलिमेंट मिल गया जो मैं चाहिए सी, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि टी मेरे को की है, टी मेरे को ऑन टू है, सिंपल। तो इस तरीके ना की है आप वन वन ऑन टू नू देख सकते हैं, काम वही है। जेकर थोड़े कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ओनली वन वन है तो तुम उसनों की कहने हो इंजेक्टिव कहने हो, जो थोड़ा ऑलरेडी पता है। अगर वो सिर्फ तो सिर्फ ऑन टू है तो उसनों तुम सब्जेक्टिव कहने हो। अगर थोड़े को वन वन भी है प्लस ऑन टू भी है तो तुम उसनों की कहने हो, तुम उसनों बाइजेक्टिव कहने हो, सिंपल, ठीक है, क्लियर है। चलो ये एक थ्योरम है, वह थ्योरम आप पता होनी चाहिए, वह थ्योरम की है, नॉट कह लो, थ्योरम कह लो, रिजल्ट कह लो, कुछ भी कह लो। तो अपने को रिजल्ट और थ्योरम और पॉइंट की है, कहते इफ टी इज नॉन सिंगुलर, टी इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ टी इज वन वन, तो ये कन्वर्स भी है, इनू प्रूफ किया जा सकता है, बट प्रूफ करने की लड़ नहीं हैगी, तुम जस्ट ये चीज़ अपने माइंड क्लीयर रखनी है, इसनों ही समझना है, इनू ही देखना है। कहते टी की है नॉन सिंगुलर है तो टी वन वन होएगा, अगर टी वन वन है तो टी नॉन सिंगुलर होगा। तो यह इन इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि इधरों इधर भी जा रहे हैं और इधरों इधर भी जा रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ा मतलब यदा कन्वर्ट्स भी ट्रू है, सिंपल, ठीक है जी। चलो अगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ को डिस्कस करते हैं, अगली अपने को आ जाती है, दैट इज आइसोमोर्फिक, आइसोमोर्फिक वैक्टर स्पेस, आइसोमोर्फिक वैक्टर स्पेस। तो आइसोमोर्फिक वैक्टर स्पेस की होंगी है, आइसोमोर्फिक वैक्टर स्पेस पहला तो लैट कर लो जी मेरे कोई भी दो वैक्टर स्पेस है, एक वी हैगी है, है ना, एक वी हैगी है, ओके चलो, एक मेरे को हैगी है वी, ठीक है जी, और एक मेरे को हैगी है डबल्यू, और उन्होंने विच की लग रही, एक ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है विच इज टी ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है ये वी तो डबल्यू तक जा रही है। तो कहते ये जो वी है, वी इज आइसोमोर्फिक, वी मेरे को की होएगा आइसोमोर्फिक होएगा टू डबल्यू। आइसोमोर्फिक की रिप्रजेंटेशन की होंगी है, ये वाली जिम्मे आप कॉन्गुरेंट ट्रैंगल्स ही लैने होंगे ना, रिप्रजेंटेशन सेम रिप्रजेंटेशन होंगी है आइसोमोर्फिक, ठीक है। अच्छा क्यों, कुछ ना कुछ तो कंडीशन होंगी इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है जी। कहते इफ एंड ओनली इफ मेरे को केड़ियां चीज़ा होनी चाहिए ने, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए ट्रांसफॉर्मेशन, देयर एग्जिस्ट ए ट्रांसफॉर्मेशन, टी कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए है, कितों कितने तक, फ्रॉम वी टू डबल्यू, सच दैट मेरे को पहली कंडीशन तो है कि जोड़ा टी है वह मेरे को लीनियर होना चाहिए, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर होनी चाहिए है, ठीक है। टी जो है वह मेरे को वन वन होना चाहिए, ठीक है जी, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वन वन होनी चाहिए है, मतलब जी टी है वह मेरे को होनी चाहिए ऑन टू होनी चाहिए है। जेकर तीनों चीज़ा हो रही ने तो आप कहे कि जोड़ा बी है उससे मतलब वो आइसोमोर्फिक है डबल्यू दे, तो आ तीनों चीज़ा ऑलरेडी आप चेक करनिया आदि ने, ठीक है। तो आइसोमोर्फिक वैक्टर स्पेस की होंगी है थोड़े सामने, क्लीयर, ठीक है जी। हूँ अपना जस्ट एक ही टॉपिक रह गया इसका, दैट इज रैंक एंड नलिटी। इस तो बाद अपना पूरा का पूरा यह टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। रैंक एंड नलिटी वाला टॉपिक रह गया एंड उसनों आप नैक्सट क्लास के डिस्कस करांगे, ठीक है जी, और देख रही हाँ कि है, हाँ जी नैक्सट क्लास के डिस्कस करांगे, तो फिर लेट्स इट, ठीक है। क्लास पसंद आया दैन शेयर जरूर करियो अपने फ्रेंड्स के नाल, अगेन कमेंट सैक्शन के अपने रिव्यू जरूर दया करो, ठीक है, लेट्स इट, थैंक यू।